क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट ध्यान दें, आप चैप्टर पढ़ रहे थे रिप वैन विंकल। रिप वैन विंकल में आपको पढ़ाया गया था फर्स्ट पेज पर, पेज नंबर 82 पर, रीच्ड हिज विलेज। यहाँ तक आप हिंदी इसकी सुन चुके हैं, इसके आगे की हिंदी सुनते हैं सडनली से। सडनली स्टार्ट होगा पेज नंबर 84 पर। पेज नंबर 84 पर देखते हैं इसको। पेज नंबर 84 खोलिए, अपनी बुक स्वयं खोलिए ताकि आपको स्पष्ट सुनाई दे और स्पष्ट इन वर्ड्स को देख सकें, क्लियर आपको दिखाई दे। इसलिए अपनी बुक आप स्वयं खोलें, इसमें भी देखें। बी लेट अस बी स्टार्ट, चलिए शुरू होते हैं। सडनली ही हर्ड ए वॉइस कॉलिंग आउट, अचानक उसने एक आवाज़ सुनी जो उस आवाज़ उसको बुला रहा था। रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, ये आवाज़ बार बार आ रहा था, शायद उसको कोई बुला रहा, उसने आवाज़ सुना। ही लुक्ड अराउंड एंड सा ए शॉर्ट ओल्ड मैन, उसने अपने चारों ओर देखी और एक छोटा सा नाटा बूढ़ा आदमी देखा। विथ थिक हेयर, उसके बाल घने थे, एंड गिंजल्ड बेयर्ड, भूरे रंग की दाढ़ी था। वॉकिंग टुवर्ड्स हीम, वह उसी की ओर आ रहा था। विद ए बैरल, एक पीपा लिया हुआ था, बैरल लिया हुआ था। ही मेड साइन टू हेल्प हीम कैरी द बैरल, वह इशारे से उसको कह रहा था कि बैरल ले चलने में मेरी मदद करो। रीप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली, रीप जल्दी से उस अपरिचित आदमी की मदद करनी चाही, कोशिश की और फिर उसने उसकी हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड ए प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन, वे दोनों ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां कुछ और भी लोग थे जो बिल्कुल अजीब दिखते थे, और दिखते थे। प्लेइंग नाइन पिंस, नाइन पिंस एक गेम है, उसको खेल रहे थे। दे वेयर आल ड्रेस्ड इन सेम वे, सबकी ड्रेस एक ही ढंग की थी। एंड ऑल ऑफ देम हैव बियर्ड ऑफ वेरियस शेप एंड कलर्स, और सबकी दाढ़ी जो है कई आकार और कई रंग के थे, भिन्न भिन्न आकार भिन्न भिन्न रंग के थे। इवन दोज दे वेयर प्लेइंग ए गेम, फिर भी वह एक खेल खेल रहे थे, जैसा कि आप पिक्चर में तस्वीर में देख रहे हैं। वेयर सीरियस एंड देयर वॉज ए साइलेंस, सब बिल्कुल गंभीर हो गए, उनके चेहरे बिल्कुल गंभीर थे और सब चुपचाप थे। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ बॉल्स, मात्र एक ही आवाज थी, वह थी गेंद की आवाज। वीच इचोट, इचोट मतलब गूंजना, इचोट मतलब गूंजना। वीच इचोट इन द माउंटेन्स लाइक ए थंडर, जो पहाड़ में एक बादल की गड़गड़ाहट की आवाज की तरह गूंज रहा था। एज रीप एंड हिज कंपेनियंस रीच देम, जो ही रीप और उसके साथी उन लोगों के पास पहुंचे, दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रीप विद ए फिक्स्ड गेज, वे खेलना बंद कर दिए और रीप को बड़े घूर घूर कर, फिक्स्ड गेज मतलब एक टक नज़र से देख रहे थे। रीप वॉज रियली फ्रिटर्न, वह तो सचमुच डर गया। हिज कंपेनियन इम्पटेट द कंटेंट ऑफ बैरल इन टू ग्लासेस, उसके सभी साथी जो थे उस बैरल में रखा हुआ जो तरल पदार्थ था उसको ग्लास में रखना शुरू कर दिया। एंड मेड रीप ड्रिंक इट, और रीप को भी इसे पिला दिए। रीप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, रीप उनकी बात मान गया क्योंकि वो अभी डर से कांप रहा था।
सिंस ही वॉज थर्स्टी, और वह प्यासा भी था। ही ड्रैंक ए फ्यू मोर ग्लासेस, उसने और कई ग्लास पी ली। एंड स्लोली फेल इनटू डीप स्लीप, और धीरे से वह गहरी नींद में सो गया। फिर इसकी आगे की जो पैराग्राफ होगा नेक्स्ट डे पोस्ट कर दी जाएगी। यहाँ तक आप हिंदी दूर आए और वन पैराग्राफ एज रिप से स्टार्ट करेंगे और डीप स्लीप तक हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख के पोस्ट करेंगे।